गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी के अंदर DRC-03 को फाइलिंग करने का जो प्रोसेस चेंज किया गया है जीएसटी पोर्टल पे, उसके विषय में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी जीएसटी DRC-03 का न्यू फाइलिंग प्रोसेस अच्छी तरीके से समझ में आ सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, हमने ओपन किया हुआ है डैशबोर्ड जहां से हम लोग DRC-03 की फाइलिंग करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद सर्विसेज टैब में जाएंगे आप, यूजर सर्विसेज और माय एप्लीकेशन वाला जो लिंक है उस पे क्लिक करना है। इन सारी चीजों पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप के अंदर काफी सारी एप्लीकेशंस आएंगी जो आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। इसके अंदर एक ऑप्शन है इंटीमेशन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट DRC-03, ये सिलेक्ट करने के बाद क्लिक करेंगे न्यू एप्लीकेशन पे। आप जैसे ही न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ओपन हो जाएगा फॉर्म DRC-03 का, इंटीमेशन ऑफ पेमेंट मेड वॉलंटरली और मेड अगेंस्ट द सो कॉज नोटिस। ये वाला जो DRC-03 का फॉर्म है ये आप SCN के अगेंस्ट भी फाइल कर सकते हैं, या फिर आप अगर वॉलंटरी कुछ पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ जो चेंजेस किए गए हैं फॉर्म DRC-03 के फाइलिंग प्रोसेस के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे मांगा जाता है कॉज ऑफ पेमेंट। कॉज ऑफ पेमेंट का मतलब ये हुआ कि आपको जो अपना DRC-03 फाइल करना है वो किस वजह से करना है, क्यों आप DRC-03 फाइल करना चाहते हैं। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब सपोज आपने जीएसटी रिटर्न फाइल कर दी, फाइल करने के बाद आपको पता लगा कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट कुछ एक्सेस ले लिया था, या फिर आपका जो सेल्स है वो आपने कम डिक्लेयर किया था। आप चाहते हैं कि अब अपनी आप सेल्स को डिक्लेयर करें या इनपुट टैक्स क्रेडिट जो गलत क्लेम हो चुका है उसको रिवर्स करें और वॉलेंटरी आप उसका पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप ये वाला ऑप्शन वॉलेंट्री वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे ही वॉलेंट्री पे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर पेमेंट डेट, जिस डेट आप पेमेंट कर रहे होंगे वो डेट ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लेता है। अब यहाँ पे कॉज ऑफ पेमेंट के अंदर और भी जो रीजंस दिए गए हैं, जैसे सो कॉज नोटिस अगर आपको मिल रहा है तो उस सो कॉज नोटिस के अकॉर्डिंगली भी आप फाइल कर सकते हैं। एनुअल रिटर्न के अंदर कोई लाइबिलिटी निकलती है तो उसका पेमेंट भी आप DRC-03 के फाइल करने के साथ साथ कर सकते हैं। साथ ही साथ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अगर 9C में कोई लाइबिलिटी निकलती है उसका भी पेमेंट यहाँ पे हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है यहाँ पर वॉलेंट्री जब आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सेक्शंस आपसे पूछे जाते हैं कि आप कौन से सेक्शन में अपना जो है DRC-03 का पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे पहले सिर्फ और सिर्फ दो सेक्शंस दिखाए जाते थे, 73(5) एंड 74(5). अब जो है इसके अंदर काफी सारे अदर सेक्शंस भी डाल दिए गए हैं जो कि पहले अवेलेबल नहीं थे। अब सपोज आपको पेमेंट करना है वॉलेंटरीली तो हम लोग सेक्शन 73 सब सेक्शन 5 जो कि बात करता है वॉलेंटरी पेमेंट ऑफ टैक्स या फिर रॉन्गफुली इनपुट टैक्स क्रेडिट जो क्लेम हुआ था उसके रिवर्सल का अकॉर्डिंगली अगर आप एनुअल रिटर्न सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको वॉलेंटरी का ही ऑप्शन सिर्फ दिया जाएगा। पहले ये ऑप्शन नहीं दिया जाता था, पहले इसमें अलग से ऑप्शन आता था एनुअल रिटर्न का और ऊपर आपसे सेक्शन पूछा जाता था, लेकिन यहाँ पे अब चीजों को चेंज कर दिया गया है। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे सेक्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर का पेमेंट आप करना चाहते हैं वो फाइनेंशियल ईयर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। चूंकि हमने एनुअल रिटर्न सिलेक्ट किया है इसीलिए यहाँ पे 17-18 और 18-19 दो साल का ऑप्शन दिया जाता है। अगर आप यहाँ पे वॉलेंट्री सिलेक्ट करके 73(5) करेंगे तो यहाँ पे आपको 17-18, 18-19 या 19-20 जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तीनों साल का ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल करवाया जाएगा। किसी भी पीरियड का आपका टैक्स लायबिलिटी या इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिवर्सल है तो वो आप DRC-03 के फाइलिंग के बाद कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास ईयर सिलेक्शन और नेचर ऑफ पेमेंट से रिलेटेड जो चेंज किया गया है वो। अब यहाँ पे एक PRN नंबर हुआ करता था जो कि हम लोग सेट ऑफ करने के बाद DRC-03 में लगाते थे, अब वो ऑप्शन हटा दिया गया है। फाइलिंग प्रोसेस को अंदर काफी बड़ा चेंज किया गया है। क्या है वो चेंज वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ओवरऑल टैक्स पीरियड में आपको जो पहले हम लोग करते थे सिमिलरली आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि किस पीरियड से लेके किस पीरियड तक का आपका जो लाइबिलिटी है वो आपको पे करना है। तो ओवरऑल टैक्स पीरियड हमारा हो गया जुलाई 17 से लेके दिसंबर 2017 का। उसके बाद डिटेल्स ऑफ पेमेंट मेड इंक्लूडिंग इन द इंटरेस्ट
एंड इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इफ एनी। यहां पर आपको ओवरऑल टैक्स पीरियड के बाद यहां पर ब्रेकअप डालना है कि जुलाई से लेकर दिसंबर महीने में हर महीने का कितना कितना लाइबिलिटी आपका डिक्लेयर करना है। तो यहां पर भी हमने सिलेक्ट कर लिया है जुलाई 17 से लेके दिसंबर 17 का जो हमारा अमाउंट है वो आप यहां पर हर महीने का अलग अलग डेटा भी फीड कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक्ट का जो सिलेक्शन है वो करना है कि आप जो पेमेंट करेंगे वो सीजीएसटी में करेंगे, एसजीएसटी में करेंगे, आईजीएसटी में करेंगे या कंपनसेशन सेस के अंदर करेंगे। यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं सीजीएसटी। सीजीएसटी सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे टैक्स का अमाउंट लिखना है जो कि आप पे करना चाहते हैं। हमारे पास जो टैक्स लाइबिलिटी है वो है 1000 रुपए की। ये डालने के बाद आपको अगर दूसरा एक्ट ऐड करना है या दूसरी लाइन आइटम ऐड करनी है तो आपको क्लिक करना है ऐड वाले बटन पे। आप जैसे ही ऐड वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक और लाइन आइटम ओपन होगा। इसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है सेम टैक्स पीरियड, जो ओवरऑल टैक्स पीरियड हमने ऊपर डाला उसी का ब्रेकअप हमें नीचे भी डालना है। तो यहां पर भी हम लोग डालते हैं जुलाई 17 से लेके दिसंबर 17 का, और एसजीएसटी का जो अमाउंट है वो भी हम लोगों का पेबल है और हम लोगों को पे करना है 1000 रुपए। मतलब हमें सीजीएसटी 1000 और एसजीएसटी 1000 पे करना है जुलाई से लेके दिसंबर 2017 के पीरियड का। उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे सेव वाले बटन पे। सेव वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका डेटा जो आपने फर्स्ट पेज पे फाइल किया है, जो कि आपने कॉज ऑफ पेमेंट, नेचर ऑफ पेमेंट, सेक्शन अंडर विच द पेमेंट हैज बीन मेड, ओवरऑल टैक्स पीरियड एंड द ब्रेकअप ऑफ टैक्स पीरियड, ये इंफॉर्मेशन आपका सेव हो जाता है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रोसीड टू पे। अब जैसे ही प्रोसीड टू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे काफी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे जो काफी मेजर चेंजेस हैं। वॉलेंट्री पेमेंट के अंदर हम लोग कर रहे हैं, जो हमने लाइबिलिटी डिक्लेयर करी है वो हमने करी है टैक्स अमाउंट सीजीएसटी का और टैक्स अमाउंट एसजीएसटी का, ये हमें पेमेंट करना है DRC 03 के अंदर। अब ये पेमेंट किस लिए करना पड़ रहा है? ये पेमेंट हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग 1000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट सीजीएसटी और 1000 रुपए का एसजीएसटी का क्रेडिट एक्सेस क्लेम कर लिया है, और वो जब हम लोग अपना रिकंसिलेशन बनाते हैं GSTR 2A को मैच करते हैं अपनी जीएसटी परचेज रजिस्टर से, या फिर GSTR 3B के जो सेल्स हैं और जो हमारे बुक्स के सेल्स हैं उन दोनों को रिकंसिलेशन करने के बाद पता लगा कि हमारा जो सेल्स है वो कम डिक्लेयर हुआ है, तो इन सारी कठिनाइयों से बचने के लिए कि आपका डेटा जो है वो कोई भी मिस ना हो, कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका गलत तो नहीं चढ़ गया है, इन सारी चीजों को रिकंसाइल करने के लिए आप क्लियर टैक्स का सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, जिसका साइन अप लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसको साइन अप करने के बाद आप 30 डेज का फ्री ट्रायल यूज कर सकते हैं और उसके बाद आप सॉफ्टवेयर को खरीद करके उसको यूज कर सकते हैं और अपनी फाइलिंग जो है GSTR 3B, GSTR 1 और 9 की फाइलिंग बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। उसके अंदर रिकंसिलेशन का काफी अच्छा टूल दिया गया है जो एनुअल डेटा एक साथ आपको रिकंसाइल करके देता है ताकि गलती होने की चांसेस जो हैं वो काफी हद तक कम हो जाए। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कैश लेजर एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप DRC 03 के अंदर पेमेंट करते हैं तो एनुअल रिटर्न के अंदर ये बताया गया था कि आपको सिर्फ और सिर्फ कैश पेमेंट के थ्रू ही करना है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे पास कैश लेजर में कोई भी अमाउंट डिपॉजिटेड नहीं है, यहाँ पे सारा अमाउंट हमारे पास जीरो शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है पे थ्रू कैश। अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी बैलेंस रहता, यहाँ पर अगर आपके पास बैलेंस अवेलेबल रहता तो आप यहाँ पे मैन्युअली फीड कर लेते कि आपका जो कैश लेजर बैलेंस है उसके थ्रू इसका पेमेंट 1000 रुपए और 1000 रुपए जो है वो कर दिया जाए और उसको सेट ऑफ कर देते। और यहाँ पे जो तीसरा कॉलम दिया गया है एडिशनल कैश रिक्वायर्ड, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑटोमेटिकली आपके सामने फिगर ओपन हो गया है कि सीजीएसटी का टैक्स अमाउंट जो है वो आपको कैश में पे करना है और एसजीएसटी का कैश अमाउंट जो टैक्स का है एसजीएसटी के अंदर वो आपको कैश में पे करना होगा। यहाँ पे ये फिगर्स ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होती हैं डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ बैलेंस इन योर कैश लेजर। पहले ये नहीं होता था, पहले यहाँ पे कभी भी सिस्टम में ऑटोमेटिकली पॉपुलेट नहीं करता था कि आपका जो कैश लेजर है उसमें कोई अवेलेबल बैलेंस नहीं है इसीलिए आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। ये सारी चीजें होने के बाद आपको नीचे क्रिएट चालान का ऑप्शन यहाँ पर दिया जाता है। पहले ये क्रिएट चालान का ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल नहीं होता था। DRC 03 को फाइल करने के लिए चालान का ऑप्शन DRC 03 में नहीं था, हम लोग सेपरेटली चालान बनाते थे उसके बाद हम लोग उसको PRN से एडजस्ट करते थे, लेकिन अब यहाँ पे क्रिएट चालान का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ गया। अब सवाल आता है कि हमारे पास तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, अगर हम लोग अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट से एडजस्ट करना चाहते हैं तो क्या करें? यहां पर सिस्टम तो ऑटोमेटिकली कैश से ही करने को कह रहा है।
अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जाना है क्रेडिट लेजर बैलेंस वाले टैब के अंदर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे पास सीजीएसटी में अवेलेबल क्रेडिट बैलेंस है 8,844 और एसजीएसटी में है 8,844 का क्रेडिट बैलेंस। इसमें अब हम लोग यूटिलाइज करेंगे अपनी जो 1,000 रुपए की लाइबिलिटी है सीजीएसटी और एसजीएसटी की। तो हम लोग यहाँ पे जैसे ही पेड थ्रू आईटीसी, अब हम लोग पेमेंट करेंगे उसका आईटीसी के थ्रू। जैसे ही हम लोग आईटीसी के थ्रू पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे सीजीएसटी का 1,000 रुपए और एसजीएसटी का 1,000 जो है ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। अब देखिए कैसे होगा ये चीज। पेड थ्रू आईटीसी, सेंट्रल टैक्स का हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट 8,844 है, जिसमें से हमने 1,000 रुपए सीजीएसटी का लायबिलिटी हमने पे ऑफ कर दिया। यहां पे आप देख पा रहे हैं कैश रिक्वायर्ड ऑटोमेटिकली जीरो हो गया। सिमिलरली एसजीएसटी का जो अमाउंट है वो मैं यहां 1,000 रुपए लिखूंगा, तो आप यहां पे देखेंगे ऑटोमेटिकली ये जो फिगर्स हैं ये सारे फिगर्स यहां पर चेंज हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा चेंज है जिसके अंदर आपको आईटीसी से एडजस्ट करना है। तो अकॉर्डिंगली आईटीसी के टैब में आपको फिगर्स लिखना होगा, तभी आपके कैश लेजर एडिशनल कैश रिक्वायर्ड वाले कॉलम से वो फिगर्स को हटाया जाएगा। और उसके बाद आपके पास जो क्रिएट चालान का ऑप्शन था वो भी डिसेबल कर दिया गया है। अब आपको सिंपली यहाँ पे रीजंस डालना है कि आप क्यों DRC03 फाइल कर रहे हैं। यहाँ पे आप डिटेल्ड में रीजंस डाल सकते हैं कि क्या आपसे गलती हुई थी। उसके बाद अगर आपके यहाँ पे रीजंस सूटेबल नहीं है, वर्ड्स यहाँ पर लिमिटेड है, तो आप यहाँ पे अलग से अटैचमेंट भी डाल सकते हैं जो भी गलती आपकी हुई थी। उसके बाद सिमिलर प्रोसेस है, आपको अपना ऑथराइज्ड सिग्नेटरी सिलेक्ट करना है, प्लेस डालना है और इसको फाइल कर देना है। और यहां पे आपको कुछ भी नहीं करना होता था पहले की तरह कि पहले आप सेट ऑफ कीजिए उसके बाद आप फाइल कीजिए। यहां पे ऐसी कोई भी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि काफी बड़ी चेंजेस के साथ DRC03 के अंदर नए रूप में लाई गई है, जो कि आपको समझना जरूरी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि GST DRC03 को फाइलिंग करने का नया तरीका क्या है और उसको कैसे हम लोग डील कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए गए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।